भाई अभी हम लोग भांडू पाए हुए थे। हमने जूम कार से ये वाली गाड़ी बुक की थी, TUV 300, एकदम परफेक्ट कंडीशन की गाड़ी थी। हमने उनको ऑलरेडी पे भी कर दिया है, 15,000 अमाउंट हमने उनको पे किया है। लेकिन हम यहाँ पे आते तो हमको भाई गाड़ी की हालत ये मिलती है, आप देख सकते हो। कि ओनर का कहना ये है कि आप जूम कार से लड़ लो, मैं तो गाड़ी नहीं देने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी है ये किसी कार स्पा में खड़ी हुई है। यहाँ पे भी ये बनने के लिए आया हुआ है, वो बोल रहे 50-60 हज़ार का काम है। लेकिन भाई हमको तो ट्रिप पे जाना है ना, हमारे हमने तो पैसे दिए भाई पूरे, भाई पूरे 15,000 हमारे घुस गया। वो गाड़ी भी नहीं दे रहे ना, रिफंड दे रहे हमको। भाई जूम कार बुक करने से पहले सब कुछ भाई देख लिया करो। अब हमको कल निकलना था, चलो पैसे का कुछ नहीं, गाड़ी का भी कुछ नहीं, लेकिन हमारा जो टाइम बर्बाद हुआ है, हम यहाँ से 2 घंटा दूर है हमारा घर यहाँ से। हम इतना ट्रेन से आए, सोच इतना हंसी खुशी से आए कि हम गाड़ी लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आके गाड़ी का हालत ये दिख रहा है। तो अभी भाई आप भी कमेंट में बताओ कि ये सही हुआ है हमारे साथ कि नहीं हुआ है, आगे की मैं आपको बताते रहूँगा। हमारा कस्टमर केयर में तो हमारा बात हो गया था भाई, तो देखते हैं। अब उन्होंने बोला है कि रिफंड तो नहीं करेंगे, लेकिन अल्टरनेट कार दे देंगे उसके बदले में। चश्मा कैसा लग रहा है तुम्हारे भाई का, हमको पहले तो ये बताओ। अभी देखते हैं यहीं पे इसी लोकेशन में आसपास में कहीं पे अगर हमको कोई अल्टरनेट कार मिल जाती है तो देखते हैं। ये गाड़ी तो हम नहीं लेने वाले, वैसे भी एक्सीडेंटल है, कस्टमर करने वाला एक्सीडेंटल कार तो हम देते ही नहीं, रखो अपने पास, दूसरी गाड़ी देखेंगे। तो अब चलते हैं, फिर से भाई का फोन वहीं पे रह गया। याद है। चलो नीचे भाई व्लॉग बना रहे। तो भाई अब आ चुके हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो ऊपर। भाई रात के 2:30 बज रहे हैं, अब जाके हमको अपने जूम कार से कार मिली है। भाई इतने पोलाइट ओनर मिले ना हमको, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतना पोलाइट मतलब हद है भाई, इतना पोलाइट बंदा आज के टाइम में तो इतना पोलाइट बंदा नहीं मिलेगा। ये देख सकते हो टंकी भाई पूरी फुल करके रखी हुई है, गाड़ी की कंडीशन भी एक नंबर है। और अपना भाई जाने वाला है ट्रिप पे भाई, यस 2:30 बज रहे हैं अभी, भाई को 5:30 बजे तक तो निकलना है, इसलिए फटफट घर पे जा रहे हैं। अगले टर्न पे ही अपना घर है। तो भाई ऐसा हम लोग दिन भर पूरा झीगे हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब जो हालत हुई है ना हमारी, हमने आपने पिछली क्लिप में देखा होगा, हमने TUV 300 बुक करी थी, वो बंदे ने हमको थोड़ा BT दे दिया था। लेकिन उसके बाद भी हमने शाम को एक बलेनो बुक की थी, उसका भी हमने पेमेंट कर दिया था, सेम इशू आया भाई। वो बंदा बोल रहा है कि 7 दिन के लिए मैं आपको गाड़ी कैसे दे सकता हूँ, ऐसा वैसा। तो भाई मैंने उसको ये भी अश्योरेंस दिया कि भाई तेरे गाड़ी में जो कुछ भी होगा ना मैं खर्चा करके दूंगा, तू टेंशन मतलब मैं बैठा हूँ। फिर भी उस बंदे ने मतलब हामी भरी ही नहीं भाई, उसने हाँ बोला ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, मतलब वो ना पे अड़ा रहा। फिर भाई हमने सोचा यार अब तो ट्रिप तो भाई कैंसिल करनी पड़ेगी, लेकिन एक एंड टाइम पे जो डिसीजन होता है ना, वही डिसीजन हमको काम आया भाई। सोचा चलो देख ही लेते हैं, भले ही हमको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। मैं आपको बाद में बताऊंगा ट्रिप एंड होने के बाद हमारा कि हमने कितना कुछ पे करा। भाई वो बंदा बिजनेसमैन है, वो बाहर आके खड़ा था, उसने हमको इतना पोलाइट बिहेवियर था उसका, पूरी हमने गाड़ी वाड़ी चेक वगैरह करी, एक टाइप से PDI करी गाड़ी की, फिर जाके हमको गाड़ी मिली है। तो भाई जूम कार पे अगर आप गाड़ी अगर ले रहे हो रेंट पे तो अपने रिस्क पे लेना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ अच्छा था नहीं। ये वाली गाड़ी मिली है तो कुछ अच्छा है भाई। हम दिन में सुबह 10 बजे से निकले हुए, लेकिन अब 2:30 बजे जाके हमको गाड़ी मिल रही है और हमको 5:30 बजे निकलना है। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने का आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।